हेलो फ्रेंड, दिस इज़ प्रिया एंड वेलकम बैक टू दी स्टडीज़ एंड आई होप यू आर ऑल रेडी टू दी हेयर फॉर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेशन इन दिस वीक। फ्रेंड्स, ये वीकली करेंट अफेयर्स सो आज रिलेटेड है 18 to 23। फ्रेंड्स, हम डिस्कस करने जा रहे हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस उद्देश्य के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन सभा में 61 देशों के साथ आया है। फ्रेंड, इसका आंसर होगा कोरोना का स्रोत। फ्रेंड, इसमें जो ऑस्ट्रेलिया है वो पहला ऐसा देश बना है जो कि इस प्रस्ताव को लेकर के आया है, जिसका साथ 61 देशों ने दिया है। फ्रेंड, यह प्रस्ताव कोविड-19 से रिलेटेड है, जो कि इसमें यह पता लगाना है कि कोविड-19 का जूनोटिक सोर्स क्या था और उसे किस देश से वो आया हुआ है। फ्रेंड, यहाँ पे जूनोटिक का मतलब हुआ कि जो बीमारी जानवरों से इंसान में आती है उसे हम जूनोटिक बोलते हैं। एंड इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जैक मा ने किस बैंक के बोर्ड से इस्तीफा दे दिया है। फ्रेंड, इसका आंसर होगा सॉफ्ट बैंक। फ्रेंड, यहाँ पे जैक मा जो हैं वो चीन देश के हैं और वो जो अलीबाबा कंपनी के मालिक हैं। एंड सॉफ्ट बैंक है, उसकी स्थापना 3 सितंबर 1981 को हुई थी और इसका जो मुख्यालय है टोक्यो में है, टोक्यो जो कि जापान की राजधानी है। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चक्रवात एम्फेन किस स्थान पर विकसित हुआ था। फ्रेंड, इसका आंसर होगा बंगाल की खाड़ी। फ्रेंड, हम जानते हैं कि जो अम्फान होगा या एम्फेन होगा वो बंगाल की खाड़ी में विकसित होगा और यह जो होगा एंटी क्लॉकवाइज होगा। फ्रेंड, जब भी चक्रवात एंटी नॉर्थ पोल की तरह से आते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं और साउथ पोल की से आते हैं तो वो क्लॉकवाइज चलते हैं। फ्रेंड, जो यह चक्रवात है इसका नाम अम्फान है, यह नाम इसे थाईलैंड ने दिया था। फ्रेंड, इससे पहले भी फैनी नाम का तूफान आ चुका था। एंड फ्रेंड, जब भी चक्रवात की बात करते हैं तो चक्रवात वो होता है जो कि 62 किमी प्रति घंटा की वेग से चले, उस वह चक्रवात होता है। एंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बेंजामिन नेतन्याहू किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं। इसराइल। अब इसराइल यहाँ पे आए हैं तो इसराइल के बारे में जानेंगे। इसराइल की राजधानी है जेरूसलम और यह पूर्व एशिया में स्थित है। फ्रेंड, यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं रुवेल रिवलिंग है और फ्रेंड यहाँ पे जेरूसलम आया है तो जेरूसलम के बारे में हम बात करेंगे। इसमें यह इस तीन धर्मों का स्थल कहा जाता है। फ्रेंड, यहाँ पे मुस्लिम, ईसाई और यहूदी तीनों का धर्म स्थल यहाँ पे है, इसलिए यहाँ पे तीन धर्मों का स्थल भूमि भी कहा जाता है। फ्रेंड, अरब इसराइल के वार को थर्ड वर्ल्ड वार भी कहा जाता है। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वुहान डायरी डिस्पैचेस फ्रॉम क्वारंटाइन सिटी पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है। फ्रेंड, इसे फोंग फोंग ने लिखा है। फ्रेंड, यह कोविड-19 के दौरान जो क्वारंटाइन टाइम है उसको इसमें एक्सप्लेन किया गया है। एंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने सिंगयून 201 और 202 नामक दो उपग्रह लॉन्च किए हैं। फ्रेंड, इसका आंसर होगा चीन। फ्रेंड, चीन के बारे में हम जानते हैं, चीन में सब एशिया की सबसे लंबी नदी यांगटीसी नदी बहती है जिसकी लंबाई 6300 किमी है। फ्रेंड, चीन की राजधानी बीजिंग है और यहाँ की मुद्रा रेन मिनबी है जिसे युआन भी कहते हैं और यहाँ के राष्ट्रपति सी जिनपिंग है। फ्रेंड, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गिफी का अधिग्रहण किसने किया। फ्रेंड, इसका आंसर होगा फेसबुक ने गिफी का अधिग्रहण किया। फ्रेंड, यहाँ पे गिफी का मतलब एनिमेटेड इमोजिक से है। एंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बायोटेक्नोलॉजी कंपनी ने कोविड-19 के लिए प्रायोगिक वैक्सीन का सफल परीक्षण किया। फ्रेंड, इसका आंसर होगा मॉडर्ना ने। फ्रेंड, यह अमेरिकी कंपनी है। फ्रेंड, यह दुनिया की पहली ह्यूमन ट्रायल कंपनी है जो कि ह्यूमन पर ट्रायल करती है और सक्सेस भी होता है मैक्सिमम। फ्रेंड, यह जो कोविड-19 है, जो कोरोना का इस टाइम चल रहा है, महामारी में सब लोग फंसे हुए हैं लॉकडाउन में। फ्रेंड, उसमें क्या हुआ है कि उसने 45 लोगों पर परीक्षण किया है और जो कि सक्सेस रहा है और अब ये सिर्फ 600 लोगों पर परीक्षण करेगी और वो स्टार्ट हो चुका है। एंड जब यह परीक्षण सक्सेसफुल होगा तब जाकर के वो और लोगों पर परीक्षण करेगी और तब जाकर कहीं दवा मार्केट में आएगा। फ्रेंड, यहाँ पे जो मॉडर्ना है वो जिस दवा का यूज कर रही है उसका नाम है mRNA-1273। फ्रेंड, यहाँ पे mRNA-1273 यानी मैसेंजर RNA का यूज हुआ है। DNA, फ्रेंड DNA जो होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल होता है और इसके तीन पार्ट्स होते हैं, एक होता है कि मैसेंजर RNA और एक होता है ट्रांसपोर्ट RNA और एक होता है राइबोसोम RNA। तो जो इस दवा को बनाने में यूज हुआ है उसका नाम है मैसेंजर RNA।
फ्रेंड्स, मैं आपके साथ जितने भी क्वेश्चन शेयर करती हूँ वो काफ़ी सिलेक्टेड होते हैं फ्रेंड, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ, और उसके साथ जो एडिशनल फैक्ट्स होते हैं वो इम्पॉर्टेंट होते हैं। और फ्रेंड, इन सब के साथ ही एक बार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। एंड फ्रेंड, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हंकू किस देश का व्यक्तिगत मोहर है जो हाल ही में समाचार में रहा? फ्रेंड, इसका आंसर होगा जापान। फ्रेंड, ये जो हंकू है यह डिजिटल सिग्नेचर को मान्यता देने से रिलेटेड है। फ्रेंड, डिजिटल सिग्नेचर तो सब लोग समझती होगी क्योंकि आजकल डिजिटल वर्ड ही काफ़ी फेमस हुआ है। लोग इस टाइम कोरोना पैनेडेमिक में सब लोग वर्क फ्रॉम होम पे को ही मान्यता दे रहे हैं, जिससे लोग घर पे बैठे बैठे अपना ऑफिशियल वर्क कर रहे हैं। और इन सब के साथ जब उनको घर पे तो काम हो जाते हैं, लेकिन उसमें मोहर लगाने के लिए लोगों को ऑफिस जाना पड़ता है और वो मुश्किल होता है, तो जो वहाँ के लोग हैं उन्होंने डिजिटल सिग्नेचर की मांग की है। फ्रेंड, जो जापान है, जापान की राजधानी टोक्यो है, और यहाँ पे जो आइलैंड्स होते हैं उनके नाम मैं बता रही हूँ, होकाइडो, होन्सू, क्यूसू और शिकोकू आदि आइलैंड पाए जाते हैं। फ्रेंड्स, अब इतना तो पता चल ही गया कि हंकू जो होता है वो डिजिटल सिग्नेचर से रिलेटेड वर्ड है, जो कि वहाँ की जापान के लोग उसका डिमांड कर रहे हैं। एंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी ने न्यू सुपर अर्थ प्लैनेट की खोज की है? फ्रेंड, इसका आंसर होगा नासा, यानी यूएसए, यानी अमेरिका की जो अंतरिक्ष एजेंसी है नासा, उसने न्यू सुपर प्लैनेट की खोज की है। फ्रेंड, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवास और शहरी मंत्रालय ने 2019 के लिए कचरा मुक्त शहरों के लिए 5 स्टार रेटिंग दी। फ्रेंड, 6 शहरों को 5 स्टार रेटिंग मिली, जिसमें से अंबिकापुर, सूरत, राजकोट, मैसूर, इंदौर और नवी मुंबई, इन 6 को 5 स्टार रेटिंग दी गई। और फ्रेंड, इनके साथ ही 3 स्टार रेटिंग भी दी गई है और 1 स्टार रेटिंग भी। 3 स्टार रेटिंग में 65 शहरों को दी गई है, जबकि 1 स्टार रेटिंग 70 शहरों को दी गई है। फ्रेंड, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अपने नए भौगोलिक मानचित्र में भारतीय क्षेत्र लिपु लेख काला पानी लिम्पिया धुरा को शामिल किया है? फ्रेंड, इसका आंसर होगा नेपाल, हमारा पड़ोसी देश नेपाल है। फ्रेंड, जो ये लिपु लेख धर्रा है और पिथौरागढ़ के बीच में एक सड़क बनी है, जिसे BRO ने बनाया है, भारत की BRO ने, जो कि बॉर्डर रोड अथॉरिटी ऑर्गेनाइजेशन ने पिथौरागढ़ से लेकर लिपु लेक के बीच में 80 किमी का रास्ता बनाया है, जिसकी वजह से कैलाश मंसूर की यात्रा हमारी क्या होती है, इजी हो जाती है और प्रॉपर तरीके से हम यात्रा कर सकते हैं, और जिसका विरोध आज भी नेपाल करता है। एंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया गया था? फ्रेंड, हम जानते हैं कि 20 मई को हमेशा विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है। फ्रेंड्स, जो मधुमक्खी होती है हमारे जो एनवायरनमेंट सिस्टम होता है उसमें काफ़ी हेल्पफुल होती है, और इसके अलावा एक और भी रीजन है जिसकी वजह से यह डे सेलिब्रेट किया जाता है। यह डे 18वीं शताब्दी में जो आधुनिक मधुमक्खी पालन की तकनीक का नेतृत्व करने वाले एटोन जानिसा का जन्मदिवस पे मनाया जाता है। फ्रेंड, यह डे 20 मई को ही मनाया जाता है क्योंकि उस दिन उनका जन्म हुआ था। एंड नाउ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, एंड भारत ने किस देश से ताड़ के तेल यानी पॉम ऑयल की खरीद फिर से शुरू कर दी है? फ्रेंड, यह देश है मलेशिया। मलेशिया से पॉम ऑयल्स का आयात होता है। फ्रेंड, हम दुनिया के सबसे बड़े आयात करता है, यानी जो हमारे यहाँ जो ऑयल होता है टू ऑफ मतलब सबसे बड़ा आयात करता भारत होता है। फ्रेंड, हम लोगों ने इससे इंडोनेशिया से जो तेल होता था उसका आयात करते थे, क्योंकि इंडोनेशिया रिफाइंड ऑयल देता था और मलेशिया जो है मतलब बिना रिफाइंड होता है, लेकिन मलेशिया से बीच में तेल लेना बंद हो चुका था। सबसे पहले मलेशिया से ही हम लोग तेल का आयात करते थे, लेकिन बीच में इंडोनेशिया से हुआ, और इंडोनेशिया ने कोरोना पैनेडेमिक के कारण जो ड्यूटी टैक्स लगाने के लिए बोला, फिर जो मलेशिया के PM थे उन्होंने यहाँ से रिक्वेस्ट किया कि हमारे तेल को आप ले, तो इस वजह से फिर से हम लोगों ने मलेशिया से अपने तेल का आयात स्टार्ट कर दिया। फ्रेंड, यहाँ पे मलेशिया की बात हुई है, तो मलेशिया की जो राजधानी है कुआलालपुर है, और यहाँ के जो प्रधानमंत्री है मोहिदीन यासीन है। फ्रेंड, इससे पहले जो प्रधानमंत्री थे महाइतिर मोहम्मद थे, जो काफ़ी चर्चा में थे और जिनका एज था 97 ईयर। फ्रेंड, जो यहाँ की मुद्रा है मलेशियाई रिंगिट है और ये एशिया में पड़ता है। फ्रेंड, इसके साथ हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा,
भारत ने किस देश के साथ अंतर्देशीय जल पारगमन और व्यापार पर नए प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं? फ्रेंड, इसका आंसर होगा बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ भारत ने अंतर्देशीय जल पारगमन और व्यापार प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किया है। एंड नाउ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, किसका निर्माण करने के लिए कॉयर जियो टेक्सटाइल का उपयोग किया जा रहा है? फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज 3 2009 का जो मतलब जो रोड तैयार हो रहा है ग्रामीण क्षेत्रों का, उसमें जो नारियल होता है उसके ऊपर का जो बाल पाया जाता है उसके द्वारा ही सड़क का निर्माण किया जा रहा है, ताकि वो अगर गले भी तो सड़क क्या हो, मजबूत बने, ठोस बने, और इस प्रकार हम उसे रियूजेबल कर रहे हैं। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राजीव गांधी न्याय योजना शुरू की है? फ्रेंड, इसका आंसर होगा छत्तीसगढ़। फ्रेंड, छत्तीसगढ़ जो है राजीव गांधी न्याय योजना शुरू की है। फ्रेंड, हम छत्तीसगढ़ के बारे में अब जानेंगे। छत्तीसगढ़ की स्थापना 1 नवंबर 2000 को हुई थी, जो कि भारत का 26वां राज्य बना था। फ्रेंड, छत्तीसगढ़ के जो प्रधान मुख्यमंत्री है वो है भूपेश बघेल, और यहाँ के जो राज्यपाल है अनसुईया यूके हैं। फ्रेंड, और यहाँ पे दो यहाँ की जो राजधानी है अटल नगर है, जो कि नया रायपुर है। फ्रेंड, इसके अलावा यहाँ पे दो नेशनल पार्क है, एक है अचानक कमार और इंद्रावती, यहाँ के दो प्रमुख नेशनल पार्क है। फ्रेंड, एंड नाउ हमारे नाउ अगेन आई से मेरे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब शेयर और लाइक करना ना भूलिएगा, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा, जिससे आने वाले किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। फ्रेंड, इसमें सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड है एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड नाउ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, हाल ही में NTPC ने उद्यम स्थापित करने के लिए किसके साथ समझौता किया? फ्रेंड, इसका आंसर होगा ONGC यानी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। फ्रेंड, इसके साथ ने NTPC ने उद्यम स्थापित करने के लिए समझौता किया है। फ्रेंड, हम NTPC का फुल फॉर्म समझेंगे, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। फ्रेंड, यहाँ पे जो NTPC है उसकी स्थापना 7 नवंबर 1975 को हुई थी, एंड यहाँ पे जो ONGC है इसकी स्थापना 14 अगस्त 1956 को हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर दिल्ली है, और इसके जो MD या CEO है वो शशि शंकर है। फ्रेंड, यहाँ पे जो NTPC है इसका भी दिल्ली में ही है। एंड नाउ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया गया। फ्रेंड, यह 22 मई को हर साल मनाया जाता है। फ्रेंड, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डेज होता है, क्योंकि इस दिन पृथ्वी को हेल्दी और स्वस्थ रखने के लिए लोगों को जागरूक किया जाता है, और इसी दिन अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस को मनाया जाता है। फ्रेंड, इस बार की जो थीम थी इसकी, आवर सोल्यूशन आर इन नेचर। फ्रेंड, एक बार फिर से रिपीट करते हैं, आवर सोल्यूशन आर इन नेचर इसकी थीम थी, और इसकी घोषणा 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाएगा, इसकी घोषणा UN ने यानी संयुक्त राष्ट्र संघ राष्ट्र ने किया था। एंड नाउ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, किस शहर के लिए 100% 100 करोड़ के लिए योजना शुरू की है? फ्रेंड, यहाँ पे जो कुराड़ शहर है जो कि उड़ीसा में है, उसके लिए केंद्र सरकार ने 100% 100 करोड़ की योजना की है। इस योजना के तहत जो कोणार्क सूर्य मंदिर है, शहर को पूर्ण रूप से 100 करोड़ के लिए 100 करोड़ करना होगा। एंड इस योजना के तहत 10 मेगावाट ग्रिड की स्थापना की जाएगी, जो सौर परियोजना और एप्लीकेशन के साथ जुड़ा होगा। एंड नाउ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस सोशल ऐप में शॉप्स नामक उद्यम शुरू की है? फ्रेंड, फेसबुक ने सोशल ऐप ई कॉमर्स उद्यम शुरू की हुई है, जिसमें एक ऑनलाइन स्टोर होगा, या एक ऑनलाइन स्टोर है जिसके माध्यम से ग्राहक अपने प्रोडक्ट के बारे में पूछताछ कर सकता है और सीधे मैसेंजर या व्हाट्सएप के जरिए मैसेज करके बात कर सकता है और ऑर्डर को ट्रैक कर सकता है और अपनी उससे मदद भी ले सकता है। फ्रेंड, यहाँ पे फेसबुक आया है, तो फेसबुक के बारे में जानते हैं। फेसबुक 2004 में आया था और कैलिफोर्निया में इसका हेडक्वार्टर है, और मार्क जुगरबर्ग ने इसको खोजा था और बनाया था, और जो कि वो 17 साल की उम्र में ये काफ़ी बड़ा अचीवमेंट था, और सबसे कम उम्र में होने का ही उन्होंने ये अचीवमेंट प्राप्त किया है। एंड नाउ चीन ने किस देश के निर्यात पर 80% का टैरिफ लगा दिया? फ्रेंड, इसका आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया।
फ्रेंड ऑस्ट्रेलिया, मैंने पहले ही बताया था कि ऑस्ट्रेलिया ऐसा पहला देश था जो कि प्रस्ताव लेकर आया था 61 देशों के साथ में कि COVID-19 का जूनोटिक सोर्स क्या है। जूनोटिक अर्थ भी मैंने बताया था कि जो भी जानवर से इंसान में जाता हो, जो बीमारी होती है जानवर से इंसानों से जूनोटिक बोलते हैं। एंड यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की बात हुई है तो फ्रेंड यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की जो मुद्रा राजधानी है कैनबरा है और जो मुद्रा है डॉलर है। एंड यहाँ के प्रधानमंत्री है स्कॉट मॉरिसन है। फ्रेंड अभी मैंने जितने भी क्वेश्चन बताया है काफ़ी सिलेक्टेड सब सिलेक्टेड क्वेश्चन है और आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। फ्रेंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा। एंड थैंक यू सो मच।